हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने के बारे में। बच्चे गले में गर्भनाल क्यों फंसा लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है, क्या आपका बच्चा आपकी गलती की वजह से गर्भनाल फंसा लेता है, या फिर कुछ और कारण की वजह से बच्चे गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं, या फिर आपका बच्चा गर्भनाल फंसा लेता है तो क्या वो निकल पाता है या फिर नहीं निकल पाता है। और देखिए, आपको मालूम ही होगा, अगर आपका बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है तो ऐसे में कई बार बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, कई बार बच्चे का दम भी घुट जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इस वजह से डॉक्टर नॉर्मली नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना कर देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा होता है। तो देखिए, अब जान लेते हैं क्या क्या कारण होते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर सबसे पहले आपकी गलती की बात करें तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि कई बार हम उठते बैठते समय ना ध्यान नहीं रखते हैं, कई बार झटके से उठ जाते हैं, झटके से बैठते हैं, यानी कि जल्दबाजी में बैठते हैं, जल्दबाजी में उठते हैं, तो ये भी आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बच्चे को दिक्कत होती है, कई बार गर्भनाल भी फंस सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हमें काम करना होता है, घर में झाड़ू पोछा करना है या फिर कुछ और भी काम करना है, तो हम बहुत जल्दबाजी में करते हैं, तो बहुत जल्दबाजी में हमें काम नहीं करना। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत ही आराम आराम से काम करना है, कोई भी काम है जल्दबाजी नहीं दिखाना, काम करना है लेकिन बहुत ही आराम आराम से, ताकि आपको और आपके बच्चे दोनों को ही कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हम यात्रा करते हैं, कुछ ऐसी जगह से जाते हैं जहाँ की काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है, तो कई बार ऐसे में झटके लगने की संभावना होती है, तो भी बच्चे गले में गर्भनाल फंसा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी जगह पर भी यात्रा ना करें, ट्रैवल ना करें। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें झुक के कोई काम करना है तो हम अचानक से झुक जाते हैं, झटके से झुक जाते हैं, फिर एकदम से अपना काम करके खड़े हो जाते हैं, तो ये भी सही तरीका नहीं है। बहुत सारी महिलाएं इस बात को समझती नहीं हैं और प्रेगनेंसी में भी झुक जाती हैं और झुक के काम करने लग जाती हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्रेगनेंसी में आपको अगर नीचे बैठ कर कोई काम करना है, नीचे बैठ कर कोई सामान उठाना है, तो पहले आराम से अपने घुटने के बल आइए, उसके बाद आप सामान उठाइए। डायरेक्ट आपको पेट को दबा के कभी भी नहीं झुकना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तो झटके से काम करने की वजह से, झुकने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम करवट बदलते हैं, जब हम सोते हैं तो करवट लेते हैं, तो बहुत तेज़ी से करवट लेने की वजह से भी कई बार यह समस्या हो सकती है, यानी कि झटके से कोई काम मत कीजिए। इसके अलावा देखिए, और बहुत सारे कारण होते हैं बच्चे के गले में गर्भनाल फंसने के। देखो, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आपका बच्चा घूमने लग जाता है, हलचल करने लग जाता है, किक करता है ना, तो नॉर्मली बच्चे अपने गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं। बच्चे घूमते रहते हैं तो गर्भनाल फंस जाता है और अपने आप निकल भी जाता है, यानी कि बच्चा कई बार गले में गर्भनाल फंसाता है, कई बार निकाल लेता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और सभी बच्चे अपने गले में गर्भनाल फंसाते हैं, निकाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता, ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और देखिए, जो बच्चे गर्भ में बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं, बहुत ज़्यादा किक करते हैं, वो बच्चे भी कई बार अपने गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं और वो निकाल भी लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्भनाल काफ़ी टाइट फंस जाता है, काफ़ी कस के गले में फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता, तो ऐसे में दिक्कत होती है। नहीं तो नॉर्मली गर्भनाल काफ़ी मुलायम होता है और बहुत ही आराम से बाहर निकल जाता है, बच्चों को दिक्कत नहीं होती उससे, लेकिन कई बार इस तरीके से फंस जाती है कि बच्चे को दिक्कत हो जाती है उससे बाहर आने में। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपको ना एक ही लेयर रहता है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक रहता है, कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 लेयर भी गले में होते हैं लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे में डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं, तो वो तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही पता चलता है कि बच्चे ने किस हिसाब से फंसाया है, कितना फंसाया है, और डॉक्टर आपको उसी हिसाब से डिसीजन देती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं। क्योंकि देखो, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चा जब बाहर आता है तो गर्भनाल की वजह से गला दबने का खतरा रहता है, इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने मना कर दिया है तो चिंता मत कीजिए और डॉक्टर जैसा कहती हैं वैसा करा लीजिए। अब कारण की और बात करें तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, यानी कि आपका बच्चा उल्टा है, तो ऐसे में भी बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं, क्योंकि देखो, बच्चे का पैर पहले बाहर आता है तो उस समय खतरा हो सकता है, क्योंकि बच्चे का पैर पहले बाहर आएगा, सिर बाद में बाहर आएगा, तो उस टाइम बच्चे गले में गर्भनाल फंसने का खतरा रहता है और ब्रिज पोजीशन होने पे डॉक्टर आपको मना कर देती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। यही कारण होता है, क्योंकि एक तो बच्चा ठीक से बाहर नहीं आ पाता, दूसरा गले में गर्भनाल फंसने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और ऐसे में गला दबने का खतरा रहता है। इसके बाद क्या होता है कि अगर किसी महिला के एमिटिंग फ्लूड में, यानी कि पानी की थैली में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत कम है, तो ऐसे में भी बच्चा कई बार गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान आपको ही रखना है। आप टाइम पर अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि आप देख सकें कि आपके बच्चे की स्थिति कैसी है, आपके पानी की थैली में पानी की मात्रा कितनी है, अगर कम है तो डॉक्टर से पूछिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर आपको अपने आप बताएंगे कि आपको ये तरीका अपनाना है, ये खाना है, ये पीना है, ये मेडिसिन लेना है, ये ट्रीटमेंट लेना है, जिससे कि आपके
पानी की थैली में पानी की मात्रा सही हो जाए। इसके अलावा देखो, अगर गर्भ में आपके ज्यादा बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, तो ऐसे में भी कई बार गले में गर्भनाल फंसने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और कई बार अगर किसी महिला की डिलीवरी समय से पहले होने वाली है, कोई बच्चा समय से पहले बाहर आने वाला है, तो ऐसे में भी कई बार ये खतरा हो जाता है, बच्चे गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं। और देखो, इसके अलावा एक कारण हो सकता है लंबा गर्भनाल। कुछ बच्चों का गर्भनाल काफी लंबा रहता है, तो गर्भनाल लंबे होने की वजह से कई बार बच्चे गले में गर्भनाल ज़्यादा फंसा लेते हैं। जो ही नहीं है कि बच्चे फंसाएं, लेकिन नॉर्मली देखा गया है जिन बच्चों का गर्भनाल ज़्यादा लंबा है वो बच्चे गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं, तो ये भी कारण है। तो देखो, प्रेगनेंसी में इस वजह से आपका बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। जिन बातों का ध्यान आपको रखना है आप उन बातों का ध्यान रख सकती हैं, लेकिन बच्चा घर में घूमेगा ही, तो ऐसे में बच्चे गले में गर्भनाल फंस जाते हैं। अब देखो, आपका बच्चा गले से गर्भनाल बाहर निकालेगा या फिर नहीं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा गले में गर्भनाल फंसाते हैं, निकालते हैं, फिर फंसाते हैं, फिर निकालते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे ऐसा करते ही हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि गर्भनाल बुरी तरीके से फंस जाता है, चाहे एक लेयर हो या फिर उससे ज़्यादा लेयर हो। अगर एक गांठ भी लग गया लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से लग गया है, तो ऐसे में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और वो निकलेगा भी नहीं, क्योंकि भाई आप बाहर से क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई मेडिसिन तो है नहीं। जो गांठ लग गई है, जिस तरीके से फंस गया वो फंस गया, इसके लिए कोई एक्सरसाइज भी नहीं होता जिससे आप करके बच्चे के गले से गर्भनाल निकाल लें। बच्चे अगर आपका उल्टा है, ब्रिज पोजीशन में है, तो उसके कुछ एक्सरसाइज होते हैं, डॉक्टर कई बार अपने हाथ से भी बच्चे घुमाने की कोशिश करती हैं, तो उस चीज़ का तो इलाज है। लेकिन बच्चा गले में गर्भनाल फंसा लेता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि बच्चा अपने आप ही या तो बाहर निकाल ले, या फिर आपका गर्भनाल आराम से फंसा हुआ हो, इतना फंसा हुआ ना हो कि इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अगर आपका गर्भनाल बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है, ऐसा फंसा हुआ है कि डिलीवरी के दौरान दिक्कत होगी, चाहे वो एक लेयर हो, चाहे तीन लेयर हो, चाहे चार लेयर हो, चाहे उससे ज़्यादा लेयर हो, कुछ बच्चे तो 6 से 7 लेयर भी अपने गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं और उसके बाद भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो कई बार आपके डॉक्टर भी डिपेंड करता है, उन्हें एक्सपीरियंस रहता है कि हिसाब से डिलीवरी करवानी है, और कई बार बहुत ही आराम से फंसा हुआ होता है तो उससे दिक्कत नहीं होती है, तो वो आपके डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे कि हाँ क्या स्थिति में आपका बच्चा है, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं। बाकी देखिए, कुछ डॉक्टर आपको मालूम ही है कि इसी फिराक में रहते हैं कि कुछ दिक्कत हो ताकि हम उसका फ़ायदा उठाएं, और एक बहाना उनको मिल जाता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, और आपके बच्चे गले में गर्भनाल फंस गया, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि भाई नहीं हो पाएगी नॉर्मल डिलीवरी, और आपको लगता है कि आपके डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आप किसी और डॉक्टर से भी इस बारे में सलाह मशवरा कर सकती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है या फिर नहीं है। अगर आपके डॉक्टर कहती हैं कोई चांसेस नहीं है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, बच्चे का जान बचाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि गर्भनाल की वजह से रियली में बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो भी पाएगी नहीं भी हो पाएगी वो डॉक्टर ही बताएंगी। ठीक है, बाकी आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, और डॉक्टर के संपर्क में रहिए ताकि सब कुछ अपने आप ठीक रहे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ वैसे भी नहीं होंगी। ठीक है, बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।